राजधानी शिमला के क्रेन स्थित चिंतपूर्णी लॉज में 7 दिवसीय श्री भक्तमाल कथा महामहोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसके 5वें दिन आज भक्तमाल कथा में रानी रत्नावती के जीवन का वखान किया गया। गौर हो कि भक्तमाल कथा का आयोजन चिंतपूर्णी परिवार की ओर से किया जा रहा है, जिसमें श्रीधाम बरसाना वाली पूज्य मधुबनी जी द्वारा कथा वाचन किया जा रहा है। युगल सरकार की गोप ग्वालों की छवि का दर्शन कर रहे हैं। कितनी सुंदर छवि है। श्री रत्नावती जी ने नाचते हैं और क्या करते विलज्ज, बोले विलज्ज यानी लज्जा रही तो करके कोई लज्जा आदि का जो प्रण होता है श्याम सुंदर कभी देखते ही नहीं थे। इस दौरान भारी संख्या में लोगों ने कथा का श्रवण किया और भक्ति में लीन हुए। श्री राधे राधे। परिचय के लिए तो सबसे पहले तो हमारे जो साध्वी जी हैं, आप जो है श्रीधाम बरसाना मान मंदिर से आई हैं, जहाँ पे हमारे पूज्य सदगुरुदेव पद्मश्री श्री श्री रमेश बाबा जी महाराज विराजते हैं। बाबा महाराज एक ऐसी विभूति हैं, आप सब जानते होंगे कि बाबा के द्वारा ब्रज में ऐसे दिव्य कार्य हो रहे हैं, किए गए हैं, जैसे हमारे बरसाने में श्री माता जी गौशाला है, जिसमें इस वक्त 70,000 गौवंश है। भारतीय मूल की गायों की सबसे बड़ी गौशाला पूज्य गुरुदेव द्वारा श्री माता जी गौशाला संचालित है। वहाँ से हम लोग आए हैं, वहीं से साध्वी जी आई हैं और श्री भक्तमाल कथा महामहोत्सव का 7 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ पर है। तो आज कथा का 5वां दिवस है। कथा के क्रम में आज रानी रत्नावती जी का हम पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं और उसी क्रम में आप लोग देख रहे हैं पीछे महाराष्ट्र लीला ब्रज लीला का प्रस्तुति की जा रही है।